Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मिठाई बनाने जा रही हूँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और आई एम श्योर हर एक की ये फेवरेट मिठाई होगी. आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन. गुलाब जामुन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप नोट कर लीजिए प्लीज. गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें दो स्टेप्स लेने होंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे उसकी चाशनी, फिर हम बनाएंगे गुलाब जामुन. तो चाशनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं. यहाँ पर मेरे पास 2 कप पानी है, 2 कप्स वाटर, 1.5 कप चीनी ली है मैंने, शुगर, 3 साबुत हरी इलायची, जो छोटी इलायची है कार्डमम, ग्रीन कार्डमम वो ली है मैंने, 1 पिंच सैफ्रॉन, ज़ाफ़रान या केसर जिसे कहते हैं वो 1 चुटकी के बराबर, एंड 1/2 टीस्पून मैंने लिया है लेमन जूस. गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी के अलावा हमें जो चीजें चाहिए होंगी वो है 1¼ कप मिल्क पाउडर. ये मैंने लिया है एवरीडे मिल्क पाउडर, आप कोई भी ले लें, नीडो या जो भी आपको अवेलेबल है वो. 1 टेबल स्पून हीप्ड मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर, ये पूरा 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है. 1/2 टीस्पून जो है ये है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची, 1½ टेबल स्पून घी लिया है मैंने, और 1 एग लिया है. और ये एग के लिए आपको मेक श्योर करना है रूम टेम्परेचर पे हो ये एग. सबसे पहले मैंने एक छोटा सॉस पैन लिया है और उसमें मैं 2 कप पानी डाल दूंगी. फिर उसमें ऐड कर देंगे शुगर, साथ ही ऐड कर देंगे 3 साबुत इलायची और इसको मीडियम आंच पे रख के स्टर कर देंगे ताकि शुगर डिसॉल्व हो जाए. इसको मीडियम आंच पे रख के हम पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा शीरा सा नहीं बन जाए. चाशनी जो है वो थिक होती है, थिक भी नहीं बल्कि ऐसी होती है कि आपकी 2 उंगलियों के बीच में आप उसे इस तरह दबाएं तो आपकी दोनों उंगलियां चिपकेंगी, उसमें एक चिपचिपाहट आनी चाहिए. सो इसको कुक करेंगे जब तक ये बॉईल ना हो जाए. साथ इसमें हम स्पून चलाते रहेंगे जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है, चाशनी बन रही है, हम गुलाब जामुन की तरफ आ जाते हैं. इधर मैंने एक खुला सा जो बर्तन है, कढ़ाई ले लें या कुछ खुले मुंह की होनी चाहिए, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, अच्छा खुला ऑयल. और वो ऑयल को मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ये हल्की आंच पर है. इसको हम थोड़ा सा वार्म होने देंगे. जब तक ये ऑयल वार्म हो रहा है हम जाके गुलाब जामुन का बैटर जो है वो तैयार करते हैं. गुलाब जामुन का जो बैटर बोल दें या डो बोल दें, वो बनाने के लिए हम पहले ये जो मिल्क पाउडर है इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, उसके बाद मैं डालूंगी मैदा, फिर इलायची पाउडर. इन चीजों को मिक्स कर लेंगे. उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी. और घी के बाद डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, चाहे हाथ से कर लें, हाथ से ज्यादा इजी रहता है. मैं स्पैचुला से कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं हाथ से भी करके बताऊंगी क्योंकि इसको हमें एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाना है. पहले तो इसे हम मिक्स कर लेंगे. अब इसमें हम डाल देंगे एग.
अब काफी हद तक ये मिक्स हो चुके हैं इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इनको अपने हाथ की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स करूंगी। याद रखिएगा इसे हम गूंदेंगे नहीं, सिर्फ हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे जब तक ये पूरा एक अच्छा डो ना बन जाए और पाउडरी फॉर्म में ना रहे ये इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा एक डो बन गया है और शाइनी सा हो गया इसका सरफेस। अब हम इस डो में से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है तो ये थोड़ा फूलेगा भी, सो कीप दैट इन माइंड, उस हिसाब से आप इसके बॉल्स बना लें। इस तरह के बॉल्स आप बना लेंगे। मैंने यहां पर 11 बॉल्स बनाए हैं इस साइज के। आपको छोटे गुलाब जामुन पसंद है तो आप छोटे बॉल्स बना लें, मुझे मीडियम साइज के पसंद है तो मैंने इस बैटर में से बनाए हैं 11। अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। ओके, गुलाब जामुन फ्राई करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो चाशनी थी हमारी वो कैसी लग रही है। तो इस शुगर सिरप में बॉयल आने लग गया है और एट दिस पॉइंट में इसमें जो सैफ्रॉन था वो भी डाल दूंगी, लेमन जूस वो भी डाल दूंगी, चूल्हा में बंद कर दूंगी। इसको हम ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, भी इस वक्त बहुत गर्म है, वार्म हो जाए क्योंकि मैंने इसको चेक कर लिया है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा अपनी फिंगर में लेके इस तरह रब कर लें। आपकी फिंगर में अगर स्टिकी लगे, चिपचिपाहट सी हो, लगे कि बहुत चिकना सा लग रहा है, जस्ट लाइक आप अपने हाथ में ऑयल मल लेंगे तो कैसा हो जाएगा ऑयली, उस टाइप का ये आपको स्टिकी फीलिंग दे तो आप समझ जाएं कि ये रेडी है। सो इसको मैंने बंद कर दिया बिकॉज ये चाशनी रेडी है। मैंने जो अपना ऑयल वार्म किया था ये लो हीट पे है और इसको मैं इस तरह करके फील कर रही हूँ तो ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसको एक एक करके इसमें गुलाब जामुन ऐड करती रहूंगी। ये गुलाब जामुन जो है अब फूलना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो गुलाब जामुन है उसके सराउंडिंग बहुत सारे बबल्स बनना शुरू हो गए, दैट मीन्स कि ये फूल रहे हैं और ये जब रेडी होंगे तो ये फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन जो है पहले नीचे सिंक हुए थे, अब फ्लोट होना शुरू हो गए हैं। अब हम इनको इस तरह हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि ये थोड़े से ब्राउन हो जाए। जितना ब्राउन आपको पसंद है आप उतना ही करिएगा। आपको लाइट ब्राउन गुलाब जामुन पसंद है तो जैसे इसका रंग गोल्डन होने लगे आप निकाल दें। अगर आपको थोड़ा डार्क ब्राउन पसंद है तो आप इसे और कुक करें, बट ये सब आप लो फ्लेम में ही करेंगे क्योंकि ज्यादा फ्लेम आपने खोल दी तो फिर गुलाब जामुन जल जाएंगे।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इसको ज्यादा चम्मच मत चलाइएगा इसमें, वरना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सिर्फ आपको जितना इसका गोल्डन कलर पसंद है वो जब आपको मिल जाए तो फिर आप इसको निकाल दें इसमें से। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डन है गुलाब जामुन, तो मैं जो है शीरा एक बोल में निकाल दूंगी और फिर इसमें मैं गुलाब जामुन ऐड करती जाऊंगी। शीरा मैंने निकाल दिया है एक बोल में, इसके अंदर अब मैं गुलाब जामुन डालती जाऊंगी क्योंकि गुलाब जामुन का जो है कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है और मुझे ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए था। तो मैं अब चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मेरे गुलाब जामुन रेडी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं ये। एंड आई वांट टू ट्राई वन टू शो यू व्हाट इट टेस्ट लाइक। आई एम गोना टेक अ स्मॉल वन फ्रॉम हियर। एंड बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आई एम गोना शो यू, मैं ब्रेक करके आपको दिखाऊंगी तो आपको एक आइडिया होगा। ये देखें कितनी इजीली टूट रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मुंह में डालूंगी तो मेल्ट हो जाएगा। इट्स लाइक गोना मेल्ट इन योर माउथ, बहुत ही सॉफ्ट है। वाकई ये मुंह में ही मेल्ट हो गया है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाजार से हम लेकर आते हैं स्वीट्स। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बात करते करते एक पूरा खा गई हूँ। मुंह में पूरा मेल्ट हो रहा है, इतने सॉफ्ट बने। आप इसको जरूर ट्राई करें, फिर मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली दफा एक और न्यू एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।